नहीं है, बोली थी कि ये गलत चीज है, तब तक वो मुझे शादी का झांसा दे के मेरे साथ बहुत कुछ कर सकते। शेयर होल्डर की बात भी आई कंपनी में। हाँ, वो बोला कि यहाँ तुम 50 से 52 लोगों को बुलाओ, फिर तुम्हारा सैलरी 50,000 दे के शेयर होल्डर तुम्हें बना दिया जाएगा। हमें लगा कि 2.5 से 3 मंथ तक मेरा सैलरी नहीं आया था, तो हमें लगा शायद ये करने से, मुझे तब तक भी नहीं पता था कि ये क्या चीज है। पुलिस रेड पड़ने से पहले शारीरिक परेशान शोषण किया जाता। हाँ, मेरे साथ 3 से 4 बार जबरदस्ती हुआ था। आपने विरोध नहीं किया? हम अब ठीक नहीं होता है कि हम ये सोचे कि अगर हम बाहर किसी को बताएंगे तो मेरा इज्जत चला जाएगा, हम ये सोच के बाहर किसी को नहीं बताते, हम उससे ही विरोध कर रहे थे, लेकिन वो मतलब जेंट्स था और हम लेडीज, हम कुछ कर नहीं पा रहे थे। अच्छा, एक वीडियो भी वायरल हुआ जिसमें बेल्ट से पिटाई किया। अगर हम आदमी नहीं बुला रहे हैं तो वो लोग वैसे ही मारता है। हम यही चाहते हैं कि ये जो है कंपनी है फ्रॉड, इसमें बहुत लाखों का जिंदगी फंसा हुआ है। स्नातक की छात्रा का दर्दनाक कहानी आपको बताने जा रहे हैं। कहानी नहीं है, दर्द भरी हकीकत है। इस तरीके से जॉब के लिए फेसबुक के माध्यम से झांसा दिया जाता है और इसके बाद इसकी जिंदगी तबाह ही नहीं बर्बाद कर दी जाती है। पुलिस का रेड होता है तब इसे पता चलता है कि फ्रॉड गैंग में मैं आ गई। उसके बाद कंपनी में शेयर होल्डर का झांसा दिया जाता है और बकायदा फरार होकर इसे भी अपने साथ लेते जाते हैं। वहाँ पर इसका शारीरिक शोषण होता है, जबरन शादी होती है। लड़की काफ़ी दिमागी रूप से परेशान हो जाती है। उसके 1 महीने के बाद कोर्ट में परिवाद दायर करती है और पुलिस FIR करती है और न्याय की बात करती है। हमारे साथ पीड़िता है, इनसे बात करिए क्या हुआ था। शुरुआत में आप तो पढ़ती थी, छपड़ा था घर, तो फिर मुजफ्फरपुर कैसे आए? मैं उस टाइम ग्रेजुएशन सेकेंड ईयर में थी। मेरे फेसबुक पर रिक्वेस्ट आया, हम एक्सेप्ट किए। उसके बाद मैसेंजर पर मैसेज आना स्टार्ट हुआ और धीरे धीरे 10 दिन तक मतलब नॉर्मली हाल चाल ऐसे करके मेरे पास मैसेज आता था। फिर पूछा कि तुम क्या करती हो, हम बोले अभी पढ़ाई कर रहे हैं। जॉब के लिए हम फॉर्म भर देते थे, हम बोले अभी फॉर्म वॉर्म डालते हैं, एग्जाम देते हैं, पर अभी तक कोई एग्जाम निकला नहीं है। तो बोला कि उससे अच्छा यहाँ पे ये है, यहाँ पे तुम रह के जॉब कर सकती हो, यहाँ पे बेस है। उसका नाम तिलक प्रताप सिंह, तिलक प्रताप जी। तो वो बुलाया मुझे और बोला कि तुम यहाँ पे रह के तुम पार्ट टाइम जॉब कर सकती हो, जो कि 5 से 6 घंटा ही करना रहता है, उसके बाद तुम पढ़ाई कर सकती हो, बेझिझक पढ़ाई कर सकती हो, यहाँ पे कोई रोक टोक नहीं होता है। तो हम सोचे वहाँ पे अपना रह के पढ़ाई भी कर लेंगे और काम भी कर लेंगे, ये सोच के हम यहाँ पे आए। तो बोला कि तुम्हें यहाँ रूम और हॉस्टल के, मेस और हॉस्टल के लिए 20 से 20,000 रुपया लगेगा। हम बोले ठीक है, 20,000 कोई ज़्यादा चीज़ नहीं है, आदमी फैमिली से लेके दे ही देगा, उसके बाद रूम और मेज तो मिल ही जाएगा, बाकी अपना पढ़ाई हम करते रहेंगे वहाँ पे, ये सोच के हम यहाँ पे आए। आके 20,000 रुपया जमा किए, 20,000 रुपया जमा करने के बाद मुझे उसका कोई रसीद ही नहीं मिला। उसके बाद मुझे रूम पर ले गया गया, जो कि कोई हॉस्टल नहीं, रूम ही था, नॉर्मली रूम था वहाँ और लोग भी थे। हाँ, वहाँ लड़का लड़की पहले से ही 30-40 लड़का लड़की था लोग। मुझे उसी रूम पे रखा गया पर वहाँ किसी से कोई बात नहीं करता था, किसी को कोई बात करने ही नहीं देता था। उसके बाद वहां जाने के बाद जैसे मैं आपसे 8 बजे के बाद फोन ले लिया जाता था नाइट में, मॉर्निंग में 6 बजे के बाद ही दिया जाता था। और मेरे कांटेक्ट में जितना नंबर था वो सारे को एक पेज पे बनवाया गया, जिसको वो लोग लिस्ट बोलता था। मेरे कांटेक्ट में 250-250 नंबर था, सारे लिस्ट पे बनवाया गया। उसके बाद मुझे पर डे एक सेंटर नाम की कोई जगह था, वहां पे ले जाया जा रहा था। वहां पे पहले से ही 500-1,000 लोग आते थे और वहां पे बस यही सिखाया जाता था कि फ्रॉडिंग कॉल कैसे करना है। कॉल आपको नहीं लगा कि फ्रॉड कॉल करने के लिए सिखाया जाता फ्रॉड कंपनी, उसमें समझ में नहीं? नहीं, उस टाइम समझ में नहीं आया, मुझे लगा कि शायद ये कुछ जगह है जहाँ मुझे नॉर्मली ऐसे ही ले आया जा रहा था, क्योंकि ये तो मुझसे बोला ही नहीं गया था ना, मुझसे ये बोला गया था कि तुम्हें ऑफिस में काम करना है। तो हम सोचे मॉर्निंग में ऐसे ही टेम्पोररी लाया जा रहा था, हम ये सोच रहे थे वहाँ पे। फिर वहाँ पे फ्रॉडिंग कॉल के बारे में सिखाया जा रहा था। जब पुलिस रेड हुई वहाँ पर ऑफिस में जहाँ पर काम करने लगे, तो आपको समझ में आया कि नहीं? उस टाइम तक बहुत देर हो चुका था, तब मुझे समझ में आया था पुलिस रेड। हाँ, पुलिस रेड आपको 2023 में हुआ था मई में, और हम 22 के अक्टूबर से काम कर रहे थे। तो इसके बाद जब लोग फरार हुए तो आप भी फरार हुए? नहीं, मुझे यहाँ से वो लोग लेके हाजीपुर चल गया था, मुझे तिलक यहाँ से लेके हाजीपुर चल गया था। तो आप नहीं बोले कि नहीं ये गलत चीज है, मैं तुम लोग? नहीं, हम बोली थी कि ये गलत चीज है, तब तक वो मुझे शादी का झांसा दे के मेरे साथ बहुत कुछ कर। शेयर होल्डर की बात भी आई कंपनी में। हाँ, वो बोला कि यहाँ तुम 50 से 52 लोगों को बुलाओ, फिर तुम्हारा सैलरी 50,000 दे के शेयर होल्डर तुम्हें बना दिया जाएगा। हमें लगा कि 2.5 से 3 मंथ तक मेरा सैलरी नहीं आया था, तो हमें लगा शायद ये करने से, मुझे तब तक भी नहीं पता था कि ये क्या चीज है। पुलिस रेड पड़ने से पहले शारीरिक परेशान शोषण किया जाता? हाँ, मेरे साथ 3 से 4 बार जबरदस्ती हुआ था। आपने विरोध नहीं किया?
हम अब एक नहीं होता है कि हम ये सोचे कि अगर हम बाहर किसी को बताएंगे तो मेरा इज्जत चला जाएगा, हम ये सोच के बाहर किसी को नहीं बताए थे, हम उससे ही विरोध कर रहे थे, लेकिन वो मतलब जेंट्स था और हम लेडीज हम कुछ कर नहीं पा रहे थे क्योंकि फिर रेडुआ जब भाग गया तो क्या हुआ? तो नहीं, मुझे यहाँ से हाजीपुर वही लेके गया था और वहाँ ऑफिस जो था उसमें मेरा जबरदस्ती शादी करवाया गया था तिलक तिलक राज सिंह से? सिंह से तिलक सिंह। जी। अच्छा, एक वीडियो भी वायरल हुआ जिसमें बेल्ट से पिटाई, क्या मामला? अगर जैसे में वो लोग बोलता है कि तुम्हें आदमी बुलाना है, अगर आप आदमी अगर हम आदमी नहीं बुला रहे हैं तो वो लोग वैसे ही मारता है। एक और लड़का की पिटाई हो रही है आपके साथ? सर वो मेरा वीडियो नहीं है, वो और किसी का वीडियो है, वो मतलब पढ़ के साथ पर आपके लड़का साथ नहीं, भी उस तरह की घटना? मेरे साथ भी मारपीट हुआ है लेकिन मेरा उसका वीडियो मेरे पास नहीं है क्योंकि मेरा फोन वो लोग लेके रीसेट कर दिया था पटना में मनीष फिर सिन्हा ने। आप कोर्ट कब आई? और कोर्ट हम जनवरी में आए, उसके बाद फरवरी में मेरा केस दर्ज हुआ कोर्ट से कुछ जी। फिर इधर FIR तो अभी दर्ज हुआ, हाँ तो कोर्ट इधर अभी दिया है कोर्ट FIR के आदेश पर परिवार जी। क्या चाहती है? हम यही चाहते हैं कि ये जो है कंपनी है फ्रॉड, इसमें बाकी बहुत लाखों का जिंदगी फंसा हुआ है। क्या कंपनी का नाम बताया था? डीवीआर यूनिट, DVR यूनिट का आपने सर्च वगैरह किया था? और तो बड़ी हाँ उसपे करने के बाद बस वो मेडिसिन लाइन का मेडिसिन का ही देता है, दवाई वगैरह कहीं देता है, इससे ज्यादा वो कुछ नहीं देता है। उस पे कभी नहीं बताया गया कि ये फ्रॉडिंग कंपनी है अब आप पूरी तरीके से मतलब से न्याय दिलाना लेना चाहते हो, तो सजा जी दिलाना चाहते जी क्योंकि उसमें बहुतों के साथ मतलब समझिए सबके साथ हो? अच्छा, मार, कई लड़कियां थी जिस समय रेड हुआ था, वो कोई कंप्लेन के लिए तैयार नहीं और होती कोई थी? कंप्लेन के लिए इसलिए तैयार नहीं होती है कि किसी का कोई फैमिली सपोर्ट नहीं करता है, कोई अपनी इज्जत बचाना चाहती है इसलिए कोई सपोर्ट नहीं करती है, नहीं तो पर लड़की के साथ ऐसा ही होता है। गलत हाँ होता है, मेरा फैमिली सपोर्ट किया इसलिए हम सामने आ पाए हैं लड़ाई लड़ेंगे। अब जी। बिल्कुल तो पुलिस भी जांच शुरू कर दी जी। हाँ है, पुलिस जांच शुरू कर दी है। पैसा कभी पेमेंट मिला कि नहीं नहीं मिला? पैसा वहां से नहीं मिला। देखिए अच्छा, कह सका जाए तो शेयर होल्डर की लालच के बाद आपने उसका सपोर्ट तो किया? सपोर्ट किए नहीं, वो लोग जबरदस्ती अगर आप जैसे मैं वो लोग बोला कि तुम्हें बुलाना है, अगर हम नहीं बुलाएंगे तो वो लोग रूम बंद करके वैसे ही मारता था जैसे 2-3 वीडियो वायरल हुआ है, बेल्ट से जूता से चप्पल से वो लोग किसी चीज से भी मार सकता है डर गए थे। जी। और वो लोग अकेले नहीं मारता है, वो लोगों का ग्रुप रहता है जो कि आएगा लोग और रूम बंद करके आपको मारता है लोग, मारपीट का बहुत ज्यादा फिर वीडियो आपने नहीं वायरल भैया हुआ है। शादी के बाद फिर क्यों परेशानी हुई? शादी के बाद मुझे वो अपने साथ रखने लगा, लेकिन मुझे इस बात से विरोध हुआ कि वो कंपनी जो था फ्रॉड था उसमें बहुतों की लाइफ का मतलब बहुत, एबॉर्शन की बात आपने कही, क्या मामला? जब हम शादी से पहले ही हम 3 बार प्रेग्नेंट थे उस टाइम मेरा ये मेडिसिन देके अबॉर्शन करवाया था जबरदस्ती, उस समय आपने कुछ शिकायत नहीं की? नहीं उस टाइम हम कोई शिकायत नहीं कर पाए थे।